अक्सर एसी का इंडोर में लीकेज हो जाता है। लीकेज क्यों होता है? क्योंकि इंडोर के दोनों तरफ मतलब कॉइल के दोनों तरफ जीआई सीट का प्लेट बना रहता है, इसकी वजह से ज़्यादातर एल्बो साइड लीकेज होता है और उसका फिन्स के बीच में कभी कभी लीकेज होता है, मतलब पाइप ख़राब हो जाने की वजह से लीकेज होता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे ये वाला जो कॉइल देख रहे हो, इस पर पाइप पे लीकेज है लेकिन फिन्स का अंदर है, और फिन्स का अंदर लीकेज होता है तो उसको कैसे रिपेयरिंग करने से सबसे अच्छा होता है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। मैं हूँ जाहिर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। ये जो कूलिंग कॉइल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैमेज जैसे दिख रहा है, यहाँ पे लीकेज है इस पर। तो अक्सर इस पर कैसे रिपेयरिंग होता है, यहाँ पे चारों तरफ एक एक इंच करके फिन्स काट के वहाँ पे पाइप जो पाइप निकल के पाइप को सोल्डरिंग करके लीकेज बंद किया जाता है। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है और फिन्स नहीं काट के कैसे उसको रिपेयरिंग करते हैं, वो आज हम देखेंगे। जैसे फिन्स काट के रिपेयरिंग करने से क्या होता है, फिन्स काट के रिपेयरिंग करेंगे तो वो फिन्स के जगह पे वहाँ पे पाइप दिखेगा, मतलब वो जगह फिन्स खाली रहेगा। तो जब सिस्टम चलेगा तो ठंडी की वजह से जो पानी बनेगा वो पानी ब्लोअर अंदर तरफ खींचेगा, क्योंकि फिन्स नहीं होगा वहाँ पे, तो वो पानी फिर ब्लोअर के थ्रू रूम का अंदर गिरेगा। ये जो पानी का प्रॉब्लम है, आप कभी नहीं उसको सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे फिन्स नहीं है। फिन्स होने की वजह से क्या होता है, हवा तो खींचता है लेकिन हवा का खींचने का क्षमता कम हो जाता है और पानी कॉइल पकड़ के ट्रे में गिरता है। लेकिन फिन्स नहीं होगा तो वो पानी डायरेक्ट ब्लोअर पे चला जाएगा। तो हम लोग क्या किया, इस पर ऊपर का जो दो कॉइल है, दोनों कॉइल में बहुत सारे जगह लीकेज है, इसके लिए पूरा पाइप कैंसिल कर दिया हूँ। मतलब ऊपर से कॉइल के ऊपर की तरफ एक कॉइल और उसके दो कॉइल को पूरा कैंसिल कर दिया हूँ। कैंसिल करने के लिए ऊपर का एक एल्बो निकल दिया हूँ और वहाँ का जो कनेक्ट है वो दोनों के अंदर शॉर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ओपे का दो पाइप का, जैसे दो पाइप का जो छेरा है देखो दिख रहा है, यहाँ पे ओपन है, मतलब उसका एल्बो जो है वो निकाल लिया हूँ और वहाँ का जो कनेक्ट था वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर में तीन चार जगह कनेक्ट करा, मतलब कूलिंग कॉइल के अंदर कनेक्ट है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर शॉर्ट करके उसके साथ कनेक्ट कर दिया हूँ और बीच में जो एक पाइप है वो निकल के उसके नीचे वाला, मतलब जहाँ से एल्बो निकाला हूँ वहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर का डायरेक्ट पाइप है वो सोल्डरिंग कर लेंगे और जो पाइप एडजस्ट किया हूँ वो क्वार्टर पाइप है, तो यहाँ पे जगह बहुत छोटा था तो सोल्डरिंग करने में मुश्किल होगा, इसके लिए उसका अंदर बीच में एक इंच जैसा 316 पाइप पुश करके उसको कनेक्ट कर दिया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एल्बो का जो पाइप निकला था उसको ज्वाइन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दो पाइप देखो खुला हुआ है, मतलब ये दोनों पाइप पूरा कैंसिल कर दिया हूँ, तो इससे क्या होगा, आपका फिन्स काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा और दो पाइप कैंसिल कर देने से इतना कूलिंग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दो पाइप कैंसिल हो गया तो बहुत कूलिंग में फ़र्क पड़ेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आपका कूलिंग कॉइल के ऊपर फिन्स का कोई डैमेज नहीं दिखेगा, कूलिंग कॉइल जैसे था ऐसा ही है और कूलिंग में भी कोई इशू नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर में देखो, जैसे इंजेक्शन वाल्व जिसको बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर में चार पाइप निकला हुआ है, ऊपर का कॉइल में दो पाइप कनेक्ट है और नीचे का पीछे का कॉइल में दो पाइप कनेक्ट है। तो ऊपर का पाइप का जो एक पाइप कनेक्ट था ऊपर कॉइल के साथ था वो नीचे कॉइल में कर दिया हूँ और बीच में जो पाइप, मतलब ऊपर का पाइप के साथ एक कनेक्ट था उसको शॉर्ट कर दिया हूँ। तो इससे क्या होगा, पाइप का सर्कुलेशन सेम ही रहेगा और आपका जो फिन से कॉइल के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो नीचे का जो डिस्ट्रीब्यूटर पाइप है वो ज्वाइन कर दिया हूँ, अभी वो जो शॉर्ट करने का पाइप है वो भी सोल्डरिंग कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो कूलिंग कॉइल का पानी बनेगा, क्योंकि कूलिंग कॉइल का जो फिन से हम लोग डैमेज नहीं किया हूँ, कोई जगह काटा भी नहीं हूँ, खाली वो दोनों पाइप कैंसिल कर दिया हूँ। इस तरह करने से क्या होगा, आपका पानी का जो प्रॉब्लम है कभी भी नहीं आएगा और फिन्स काट के आपका रिपेयरिंग करेंगे। जैसे कोई भी एक जगह लीकेज है या कोई एक तरफ लीकेज है, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड कूलिंग कॉइल की, तो उसको आप फिन्स हटा के थोड़ा सा लीकेज होगा तो उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो लीकेज है पूरा पाइप में तीन चार जगह लीकेज है, इसके लिए ये दोनों पाइप ओपन करके पूरा कैंसिल कर दिया हूँ।
ये पाइप में गैस सर्कुलेशन नहीं होगा, मतलब पूरा कैंसिल है। अरे ऐसे शो करने दिख रहा है, ऐसे शो है, लेकिन फिन्स का काटा नहीं हो, इसके लिए पानी का प्रॉब्लम नहीं हो। फिन्स काटेंगे तो क्या होगा, वह पानी का प्रॉब्लम आपका लाइफ टाइम रह जाएगा, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप जितने भी कोशिश करेंगे। लेकिन ब्लोअर का अंदर से, मतलब ब्लोअर जब चलेगा अंदर पानी खींचेगा और पानी का प्रॉब्लम रह जाएगा। तो इस तरह आप लीकेज का प्रॉब्लम होगा तो कूलिंग कॉइल में, तो कोई भी एक एल्बो कैंसिल करेंगे तो आपका दो पाइप कैंसिल हो जाएगा, मान लो दो स्टेट पाइप कैंसिल हो जाएगा। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कूलिंग में, आप इस तरह कर सकते हैं। तो हम लोगों का सोल्डरिंग हो गया है और लीकेज भी बंद हो गया है, प्रेशर देने का ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग पूरा पाइप कैंसिल कर दिया हूँ, मतलब लीकेज मिल गया है। इसके लिए वो पाइप कैंसिल करके दूसरा एल्बो के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ और इंसुलेशन करके इसको फिर फिटिंग कर देंगे। मतलब इस तरह आप लीकेज का प्रॉब्लम मिलेगा, मतलब कूलिंग कॉइल के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जो चार पाइप निकला हुआ था वहाँ पे भी बहुत बार लीकेज मिलता है। वो पीतल का होता है तो उसको आप ऐसे हैंड गन से उसको सोल्डरिंग नहीं कर पाएंगे, उसको आप जहाँ से वेल्डिंग होता है गैस वेल्डर है वहाँ पर ले जाकर वेल्डिंग करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर सही है, डिस्ट्रीब्यूटर में लीकेज नहीं था, पाइप पे लीकेज था, तो पहला वाला जो पाइप था वो कैंसिल कर दिया हूँ। तो हम लोग जो कूलिंग कॉइल है उसका बेस ट्रेन में फिटिंग कर देंगे और इसको मतलब जहाँ पे ये हैंगिंग था वहाँ पे लगा के फिर चालू कर देंगे। मतलब इस तरह आप कॉइल के ऊपर कोई भी जगह पाइप पे लीकेज होगा तो फिन्स को मत काटना, फिन्स को बिना काट के आप कोई भी एक एल्बो कैंसिल करके दो पाइप आपका कैंसिल हो जाएगा, उससे कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा और आपका कूलिंग कॉइल भी डैमेज नहीं होगा। मतलब देख के ऐसे भी नहीं लगेगा कि कूलिंग कॉइल रिपेयरिंग हुआ है। लेकिन कभी कभी हम लोग भी पहले करते थे कि वहाँ पे एक एक इंच चारों तरफ फिन्स कटर से काट के निकाल देते, फिर पाइप निकालते हैं, फिर उसी जगह पे सोल्डरिंग करके फिर लगाते थे। मतलब जितना कम हो सके उतना ही काटते थे, फिर भी पानी का प्रॉब्लम होता था। मतलब फिन्स खाली हो जाता था तो पाइप ओपन हो जाता है और पाइप के इंसुलेशन में कोई भी चीज़ करेगी, इंसुलेशन डाल देंगे, वो होल बंद कर देंगे, फिर भी पानी गिरने का प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो में समझ आया, वीडियो को अच्छा लगा हो, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके उसको ऑल पे सेट करके रखना, इस टाइप नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसे ये कूलिंग कॉइल हम लोगों का फिटिंग हो गया है, अभी हम लोग इसको कम्प्लीट करके लगा देंगे। आशा करता हूँ इस तरह आप काम करेंगे तो आपका लीकेज का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।